लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लड़कियां इंग्लिश से क्यों इम्प्रेस हो जाती हैं और आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और वो तुमसे कैसे इम्प्रेस हो सकती है। कई कमेंट में मैंने पढ़ा कि लोग कहते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने ईमेल्स में भी नोटिस करी, जब लोग अपनी सिचुएशन या स्टोरी मुझे भेजते हैं लिखकर, तो वो कोशिश करते हैं कि पूरा मेल जो है वो इंग्लिश में लिखें, लेकिन कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है, तो मुझे दिक्कत होती है समझने में कि ये इंसान कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। और वैसे भी बहुत लोग गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए भी इंग्लिश को यूज़ करते हैं और हो भी जाती हैं लड़कियाँ। लाइक अगर आप कुछ फ्लर्ट लाइन बोलोगे इंग्लिश में तो वो खुश होंगी, और अगर आप हिंदी में कुछ कहोगे तो अरे ये छेड़ रहा है मुझको, ऐसे कहती हैं। हालांकि थोड़ा खुद भी फ्लर्ट लाइन्स को ट्रांसलेट करके देखना अच्छा साउंड नहीं करता है, बट एनीवेज वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इफ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माय वाईटी फैम, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल नेवर मिस माय न्यू अपडेट। नंबर वन, क्यों हो जाती हैं? पहली बात तो ये कि उन्हें पसंद होती है, उनको खुद को आए नहीं आए, लेकिन उनको वो फ्लुएंसी पसंद होती है इंग्लिश की। हैप्पी न्यू ईयर की दीपिका पादुकोण याद है, उसका वो कैरेक्टर था, उतने से खुश हो जाती थी, इंग्लिश इंग्लिश में भी हो जाती हैं ऐसी, नहीं होती वैसे, मजाक कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि उनको लगता है कि ये है इंटेलिजेंट और एजुकेटेड आदमी। हालांकि आपकी एजुकेशन का या इंटेलिजेंस का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियंस को ऐसा एक इम्प्रेशन जाता है माइंड में कि अगर ये इंग्लिश कहता है, बोल पाता है, मतलब ये थोड़ा समझदार टाइप का आदमी है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, करीना, प्रियंका, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी नहीं पूरी करी है, तो जो स्टडीज़ भी नहीं कम्प्लीट करते हैं पूरी, उनकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें से कोई नॉलेजेबल चीज़ मिल रही है। बट द पॉइंट इज़ कि इट्स एन इम्प्रेसिव ट्रेट जो उनके माइंड में गया। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है, हिंदी अच्छी नहीं है, लाइक लैंग्वेज लैंग्वेज होती है, बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता है। बस इतना है कि अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना बड़ी बात है, और वो भी ऐसी लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज है, जो मोस्ट ऑफ लोगों को समझ में आती है। आप तमिल में बस एक तमिलियन से बात कर सकते हो, नॉर्मल इंसान से नहीं। गुजराती में आप केम शो के अलावा और कुछ भी बोलोगे तो भी सामने से यही आंसर आएगा कि हु मजा मशू। इसीलिए इन लैंग्वेजेस को, हिंदी और इंग्लिश को जितनी इंपॉर्टेंस दी गई है उतनी उन लैंग्वेजेस को नहीं दी गई है। अब हिंदी में तो इधर सब एक्सपर्ट है, लेकिन बिकॉज इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है इसलिए बहुत लोग को तो पसंद ही नहीं होती है, मतलब दे भी लाइक कि बोलना ही नहीं चाहते हैं कि हमें नहीं पसंद अंग्रेज़ी, अंगूर खट्टे हैं। अब आप कितना यूज़ करो या नहीं वो अलग बात है, आपका मर्ज़ी, लेकिन जब यूज़ करो तब सही से कर पाओ। उसके लिए आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस इन सेकंड पॉइंट। नंबर टू, तुम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? एक स्पोकन इंग्लिश ऐप है कैम्बली। ऐप्स हमेशा हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं, तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट और क्या होगा। तो यहाँ पर हम कैम्बली को ओपन करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, तो हम ट्यूटर वाले सेक्शन में जाएंगे। और बेस्ट थिंग ये है कि ये सारे ट्यूटर्स यूके, यूएस, कनाडा से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इनकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, जैसे हमारी है हिंदी, तो जैसे अपन हिंदी में एक्सपर्ट है वैसे ही इंग्लिश में एक्सपर्ट है। और सबसे बड़ी बात, या तो आप यहाँ पे अवेलेबल ट्यूटर्स में से मतलब टीचर्स में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो रैंडमली, या फिर किसी की भी प्रोफाइल जो आपको सही लगे वो आप विज़िट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर मैंने एक की प्रोफाइल ओपन करी, अब यहाँ पे इनकी प्रोफाइल में इनका एजुकेशन, इनके इंटरेस्ट और सब कुछ दिया हुआ है, इनके बारे में मतलब प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे इनका एक प्रोफाइल वीडियो भी है जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो जैसा है, जिसको देखकर आपको इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, इनके बोलने के तरीके के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और वो सब देखने के बाद आप यहाँ पे ये जो रेड बटन है प्रैक्टिस इंग्लिश, इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएंगे ट्यूटर से। तो ये तो अगर आपको ट्यूटर पसंद आया तो आप ऐसा कर सकते हो। और इसके अलावा आप ट्यूटर को रिज़र्व भी कर सकते हो, टाइम रिजर्वेशन, लाइक जैसे अगर आपकी एक प्रॉपर रूटीन है, तो कुछ लोग को कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना रहता है या स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं, तो वैसे ही आप अपने वर्क, अपने टाइम के हिसाब से एक टाइम डिसाइड कर सकते हो जब, या हर रोज़ भी आप अलग अलग टाइम पर आप
एक टाइम रिजर्वेशन कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है नीचे सारी डेट में किस किस टाइम पे ये ट्यूटर अवेलेबल रहता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब भी ये ट्यूटर ऑनलाइन आएगा तो उसके लिए आप नोटिफाई मी व्हेन दिस ट्यूटर इज़ ऑनलाइन, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो जब जब ये ऑनलाइन आएंगे तब तक आपको पता चलेगा। एंड सेशन का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैम्बली आपको वो भी सजेस्ट करता है कि किस टॉपिक पे कौन सा ट्यूटर ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाएगा, तो वो भी है। वैसे अभी मुझे ना तो टाइम रिजर्वेशन करना है और ना ही किसी टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर लेती हूँ इनसे। ओके, तो यहाँ पे जो बड़ा सा रेड बटन दिख रहा है प्रैक्टिस इंग्लिश, इसको क्लिक करते ही हम ट्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे। वन ऑन वन कन्वर्सेशन टाइप होगी, मतलब जैसे वीडियो कॉल होता है वैसा, कोई स्टूडेंट नहीं आसपास, कोई और ट्यूटर नहीं, जो भी कन्वर्सेशन होगी वो आपके और उस ट्यूटर के बीच में होगी, जैसे मैं अभी करके बताऊँगी वीडियो कॉल आपको। सो हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं इसको प्रैक्टिस इंग्लिश। I would like to record this session to share with my YouTube viewers. So can I have your permission so that we can proceed? Yes, you may. Thank you so much. So I'm from India. Hindi is my native language. So how can I learn English easily with this app? I lost you there. I don't speak much Hindi. I know nahi samajh gaya. I know that much. Okay. Yeah. I just want to know ki how will you teach me a language I'm not used to? I see. Well, first of all, it sounds like your English is quite good, actually. I'm not asking for myself. I'm asking for my viewers. I see. Well, there's many ways we can do it. I mean, we can have specific lessons where we talk about specific parts of the English language, specific grammar lessons. We can work on prepositions, verbs, past tense, future tense, whatever you want. But normally the way we do it, the way I do it, is we have a conversation and I pay attention to what you say and how you speak. And I try to listen for any mistakes that you may make, either with speaking or pronunciation. And I don't always comment if it's a small mistake, but if it's a big mistake, then I want to make sure you learn a lesson to improve your English, something you can think about, something you can use whenever you're speaking English to remember how to speak better. So thank you so much for your time and thank you for telling us the process of learning. You're welcome. और अगर आपको वो जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आए उनकी एक्सेंट की वजह से या उनके बोलने के तरीके की वजह से, तो वो उसको टाइप करके बताएंगे जो आपकी स्क्रीन पे सबटाइटल की तरह शो होगा, जो आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट थिंग कि आप अपने लेसन को, जो आपने जो भी लेसन होंगे उनके साथ कन्वर्सेशन होंगे, वो ऑटोमेटिकली कैम्बली ऐप में रिकॉर्डेड हो जाएंगे और हर एक रिकॉर्डेड सेशन का लिंक कैम्बली ऐप आपको ईमेल में भेजेगा, जिसको आप बाद में डाउनलोड करके देख सकते हो। और जहाँ पे भी आपने मिस्टेक करी है या ट्यूटर ने आपको करेक्ट किया है, उस पोर्शन में आप इसे जंप करके अपने रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हो और बार बार सीख सकते हो। और वैसे भी मुझे लगता है कि बार बार देखने से, अपनी कन्वर्सेशन सीखने से ही हमें समझ में आता है और याद होती हैं चीज़ें कि किस तरह से हमने बात करी थी। और आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होता है, जिसके लिए कम से कम 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कैम्बली ऐप का, जिसमें आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। और अगर आपने 3 महीने का लिया तो वो 30% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट में हो जाएगा। ये नंबर 3, हाउ यू कैन बी इम्प्रेसिव इन फ्रंट ऑफ हर। अब तुम हो गए एक्सपर्ट इंग्लिश लैंग्वेज में भी, तो अब ये तो अपने आप में एक इम्प्रेसिव ट्रेट हो गया कि तुम्हें इंग्लिश आती है। लेकिन इस ट्रेट को यूज़ कैसे करना है, विल सी इन 4 स्टेप्स। अब आती है करके पूरा इंग्लिश में ही आपको कन्वर्सेशन नहीं करना है, हो सकता है कि सामने वाला इंसान कंफर्टेबल ना हो उसमें बात करने में। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आस्क सम क्वेश्चंस, और अगर वो उन क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में ही करे तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर वो उन क्वेश्चन का आंसर हिंदी में करने लगे, तो या तो वो इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर उनको आती नहीं है, जो भी है, पर आप रहने दीजिए। और
सेकेंड स्टेप है कि जब भी आप दोनों के बीच में रोमांटिक कन्वर्सेशन हो तो आप इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो. नंबर थ्री, जब आप थोड़े अग्रेसिव मूड में हो तब आप इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो क्योंकि तब काफ़ी जेन्युइन भी लगता है, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है ऐसा, और डिसेंट भी लगता है आपका गुस्सा तब. जस्ट इमेजिन हिंदी में आप गुस्सा कर रहे हो और गुस्से में कहीं आपके मुँह से गालियाँ निकल जाए तो क्या सीन होगा लड़की के सामने. और चौथा स्टेप ये कि अब तक आपका अंग्रेज़ी का जो शब्दकोश है वो इतना एक्सपैंड हो चुका होगा कि आप नॉर्मली भी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर पाओगे अपनी कन्वर्सेशन में. कब कब यूज़ करना है वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप खुशी खुशी में पूरे अंग्रेज़ ना बन जाओ. नहीं, हमेशा हिंदी में ही बात करनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी लैंग्वेज है. हाँ, लेकिन जब यूज़ करना चाहो तब सही से यूज़ कर पाओ ताकि आपकी बेइज्जती ना हो, ये ज़रूरी है. और ये दो कॉमन लैंग्वेज तो पूरा पूरा आना चाहिए ताकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़े और कोई भी लड़की इस चिंदी रीज़न की वजह से आपको जज ना करे. एंड यार, आएगा तो फिर आप ही के लिए अच्छा है ना. जॉब एंड इंटरव्यू और सोशल सर्कल सब जगह पे आप ही का बेनिफिट है और उन बेनिफिट्स में वो बंदी पुनस की तरह है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो टू गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी वेंसडे एंड सैटरडे. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, लव यू ऑल.